प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विच रेडियो प्रसारण होर वधाउण लई अज 85 जिलों विच 100 वार्ड के 91 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम राही उद्घाटन किया। इस नाल ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा होर 2 करोड़ लोगों तक पहुँच सकेगी। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विच देश विचली विभिन्नता और वख-वख रंगां की झलक भी है ते यह 2 करोड़ लोगों लई एक तोहफा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के FM ट्रांसमीटर भाईचारे लई जानकारी, खेतीबाड़ी और मौसम लई जानकारी, सब्जियां ते फसलों बारे जानकारी तो इलावा स्वय सहायता ग्रुपां ते कुदरती आफतों बारे जानकारी लई भूमिका अदा करनगे। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विस्तार का लाभ सब तो वध उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों को होगा। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन बाद वो रेडियो से प्रसारित किए जाते अपने प्रोग्राम मन की बात की 100वीं कड़ी पेश करन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों नाल अजिहा भावनात्मक जुड़ा रेडियो राही संभव सी। इस मौके सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह ट्रांसमीटर 2 केंद्र शासित प्रदेशों ते 18 सूबों के कोने कोने तक FM की कवरेज पहुँचाऊंगे ते सरकार दीआं उपलब्धियां ते नीतियां ते मनोरंजन ते खेड बारे जानकारी लोगों तक पहुँचाउण लई एक माध्यम भी होणगे। बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 65% के लगभग मन की बात को सुनते हैं, तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है